हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक मुंबई का ऑटो रिक्शा वाला ड्राइवर जो है सो कैसे ट्रेडिंग करके दोस्तों उसने कमाई कर रहा है। वो जो है सो रोज़ 8 बजे अपना ऑटो निकालता है, उसके बाद जैसे ही मार्केट का टाइम होता है उसने अपना ऑटो जो है साइड में खड़ा कर देता है और अपने साथ में एक लैपटॉप भी रखता है। वो लैपटॉप निकाल के वो एनालिसिस करके अपना ट्रेड भी लेता है। वो कैसे अब सब कुछ उसने डिटेल्स बैगर, तो वीडियो को पूरा देखेगा और आपको भी समझ में आएगा कि कैसे एक छोटे से आदमी कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता है। देख सकते हैं दोस्तों, अपना ऑटो में ही इसने चार्ज पैटर्न सब कुछ लगा रखा है। ऑटो में ही सब कुछ लगा रखा है चार्ज पैटर्न। अब चल दिया। साढ़े आठ के आसपास कुछ में निकल दो, फिर निकलने के बाद कुछ एक दो पैसेंजर मारने के बाद मैं ट्रेडिंग सेटअप पे बैठे हुआ ऑटो में, क्योंकि मैं मेरा लैपटॉप लेके जाता हूँ। अच्छा, लैपटॉप लेके साथ में चलते हैं। हाँ, जहाँ मौका मिले वहाँ पे ट्रेडिंग कर सके। एक अच्छा स्पॉट देखूंगा, एक साइलेंट प्लेस देखूंगा ट्रेडिंग के लिए कि हाँ यहाँ पे शांति है, अच्छा किससे मतलब ट्रेड कर पाऊंगा, वही जगह पे बैठ जाऊंगा। मुझे कैसे कहा, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक ऑफिस ही चाहिए, आपको एक सेटअप चाहिए, आपको बड़ी बड़ी चार स्क्रीन चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। ट्रेडिंग के लिए आपको जहाँ टाइम मिले आप वहाँ बैठे ट्रेडिंग कर सकते हो। आपके पास खाली लैपटॉप होना चाहिए। हाँ, मतलब जो पैसेंजर ट्रेडिंग करते हैं उन सब देख के वो शौक हो जाते हैं कि आपने क्यों लगाया ऑटो में। तो पहला उनका सवाल यही होता है, सेकंड उनका सवाल होता है कि आप ट्रेडिंग करते हो तो ऑटो क्यों चलाते हो। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई मेरा सेकंड सोर्स है अर्निंग का, कि हाँ भाई ट्रेडिंग से नहीं आया तो यहीं से तो पैसा आएगा, कम से कम मेरा एटलीस्ट घर चल सके। पूरा ध्यान तो मतलब ट्रेडिंग पे नहीं बैठ सकते ना भरोसे, मतलब क्योंकि शुरुआती टाइम तो ऐसे ही होगा ना, बहुत बड़ा है और ना जॉब करके पूरा होगा ना नॉर्मली सब काम करके पूरा होगा। मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है और ना जॉब करके पूरा होगा ना ऐसा नॉर्मली कौन सा काम करके पूरा होगा। ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म लगा कि हाँ यहाँ पे हमारे सारे सपने सच हो सकते। और जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो जब मैंने देखा कि हाँ सच में पैसा यहाँ पे बना, तब पूरा भरोसा हो गया कि हाँ यहाँ से पैसा बनेगा। पैसे गए भी ऐसे नहीं, हमें बहुत से लॉसेस हुए, बड़े बड़े लॉसेस भी हुए एक एक दिन में। तो लेकिन जब वो पैसा गया, जब धीरे धीरे हमने उसको कवर किया, तब हमें भरोसा हो गया कि यहीं पे पैसा जा रहा तो यहीं से आएगा। तो मैं वैसे 12th पास हूँ। मैंने BA LLB का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, लेकिन मेरा सही में पढ़ाई में मन लगा ही, मेरा खाली ध्यान पैसे कमाने पे रहेगा।